السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي

हजूर अकदस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में एक साथ मिलकर दरुद सलाम का नजराना यकीदत पेश करें अलैका या रसूल असलात वामबी अल्लाम अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम वो जो न थे तो कुछ ना था वो जो न हो तो कुछ ना हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है और या रसूल अलैहि वसल्लम तो घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा जब बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा खाक हो जाए आधू जल कर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आई ने नूर तेरा सब घराना नूर का अम्बाबाद मोजत सामयी ने किराम इस चीज को हम लोग बखूबी अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं कि मुमरा की सरजमी पर सुन्नी दावत इस्लामी की एक अजीम काविश कोशिशों और मेहनतों का वो नतीजा जो हमने और आपने अपनी माथी की आँखों से देखा इसमें बिलखसूस हज़रत मौलाना इमरान नजमी साहब किबला और हमारे तमाम मुबलिगिन भाई सुन्नी दावत इस्लामी और तमाम सपोर्टर्स की ये मेहनतें और काविशें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे स्टेज पर आकर हमद रसूल अलैहि वसल्लम और दिगर अंदाज़ में एक्शंस के ज़रिए या दूसरे और किसी एक्टिविटीज के ज़रिए हमें इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक तरीक़ा होता है दावत दीन का दीन फैलाना महज सिर्फ़ तकरीर नहीं है दीन आपके एक्शन से फैलता है दीन आपके रवैये से फैलता है दीन आपके तर्ज तकल्लुम से फैलता है इसी तरीके से दीन आपके अखलाक से फैल फैलता है तो दीन की बहुत शाखें हैं कि किस किस अंदाज में दीन फैलाया जाए लेकिन अलहमदिल्ला आज बच्चों को देख कर बड़ी खुशी हुई कि एक अच्छे अंदाज़ में उन्होंने अपना दाइाना किरदार यहाँ पर अदा किया और बड़ी खूबसूरत निज़ामत आप लोग सुन ही रहे थे अब थोड़ी देर में आप लोगों के सामने कलाम करूँगा और मेरी जो गुफ्तु रहेगी जैसे इस्तेजी खिताब रहते हैं मैं उस अंदाज में कलाम नहीं करूँगा मैं हल्के और आसान लहजे और हल्की आवाज़ में खिताब करने की कोशिश करूँगा ताकि यहाँ आने का हमारा मकसद जो है वो महज प्रोग्राम को करा लेना इन को मना लेना सेलिब्रेट कर लेना ये नहीं है बल्कि यहाँ आकर हम सुन्नी दावत इस्लामी और हमारे अमीर दाइ कबीर हफीजल्लामरा का मैं पैगाम और मैसेज ले जाना है तो हम बात को शुरू करते हैं और आप लोग हतमकान उसको समझने की कोशिश कीजिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया सूरह तहरीम सूरह नंबर आयत नंबर छः में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कुम व अहली कुम नारा अल्लाह ने यह खिताब जो फरमाया ये कॉमन इंसान से अल्लाह ने खिताब नहीं फरमाया बल्कि यह किसी ह्यूमनिटी से अल्लाह ने यह कलाम नहीं फरमाया बल्कि सिलेक्टेड पर्सन से अल्लाह इज़्ज़त ने यह पैगाम फरमाया मखसूस लोगों से अल्लाह ने यह पैगाम फरमाया अच्छा उन मखसूस लोगों में कौन लोग हैं तो अल्लाह ने वहाँ पर सिलेक्ट कर दिया या आमनू ए वो लोगो जो ईमान ला चुके हो अब पता चला कुरान मुकद्दस की ये आयत उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग अभी दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं वो लोग जो अभी इस्लाम के करीब नहीं आए हैं बल्कि ये बर्डन और ये आयत और ये तमाम नुसूस हमारे और आपके लिए हैं क्योंकि अल्लाह ने अहले ईमान को खिताब फरमाया अच्छा खिताब फरमा कर ईमान से क्या कहा वा नारा वो लोगो जो ईमान ला चुके हो बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से। अब बात यहां तक तो समझ में आ जाती है नहनु फहीम ना बिहाज हिल आया जुमलतन और मफहूमन क्या मिलन इस आय मुबारक से इतनी बात तो समझ में आ गई कि इंसान अपने आप को तो बचा सकता है इंसान कहीं गलत जगह ना जाए नफ्सियाती तौर पे अपने आप को रोक सकता है अदरवाइज वो दूसरे लोगों को कैसे रोके और अल्लाह ने तो मुकदस में दोनों का कंजेक्शन किया है अल्लाह ने दोनों को मिलाया है कि लोगो तुम्हें अपने आप को भी रोकना है और अपने अहल खाना को भी रोकना है काई चीज से रोकना है उस जहन्नम की आग से रोकना है जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है मुबारक को यहीं पर रखिए अब आई ये मुकदस की दूसरी आया अल्लाह ने इशाद फरमाया का बह थी तुम हुक्म दो अपने अहल खाना को काय का नमाज का वही और उसमें उन लोगों को जोर दो कि तुम लोग नमाज के लिए आ जाओ अब इमाम तबानी और दूसरे मुफसरीन यहाँ पर यह फरमाते हैं कि इस आए मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया है ए लोगो तुम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और उन्हें डांटो नमाज के ना पढ़ने पर तो इस आयत से मुराद ये है कि जब तुम्हारे घर में बच्चे हो जाएं जब तुम्हारे बच्चों की अभी उम्र हद बलूगत तक ना पहुंच रही हैं या तुम्हारे बच्चे अभी नमाज में मस्जिद में जाने के लायक भी नहीं हुए हैं तब भी आप अपने बच्चों को नमाज की आदत डलाइए यहां तक कि जब वो हद बलूगत को पहुंच जाए तो मस्जिद में जाने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए उन्हें दिक्कत का दिक्कत की दुश्वारी या कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े अब कुरान मुकदस में तीसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इरशाद फरमाया सूरह शरा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया मोहम्मद सल्लाम व अमूर भी आशीष यहा ठीक है कि आप हुक्म दीजिए अपने अहले खाना को आप हुक्म दीजिए अपने घर वालों को तो जब हम इन तीनों आयत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले में अल्लाह ने हुक्म दिया ए लोगो तुम अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ अब इन दो आयतों में Allah ने बचने का हमें तरीका बयान फरमा दिया बचने का तरीका क्या है कि हमें अल्लाह की इबादात पर अपनी जिंदगी को गुजारना है अच्छा एक चीज और यहां पर है आदमी जहन्नम में सिर्फ अपनी वजह से नहीं जाएगा बल्कि दूसरे की वजह से भी जाएगा अपने आमाल की बिना पे नहीं बल्कि दूसरे को खराब करने की बिना पे भी जाएगा इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कु अनफुसा कुम कुम नारा कि अगर तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं तुम्हारी जनरेशन खराब हो रही है तुम्हारे बच्चे दायरे इस्लाम से खारिज हो रहे हैं अगर तुम्हारे बच्चे तालीमते मुस्तफ़ा नहीं ले रहे हैं अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे अखलाक के फराइज को अंजाम नहीं दे रहे हैं तो इसका खमियाजा और इसका नुकसान बरोज मह वालीन को रब के सामने देना होगा और उसके तो तरबियत दिलाए हम अपने बच्चों का तजकिया कर दीनी माहौल की तरफ लाने की कोशिश करें अब जब ये तीन आयात आपने सुन ली अब आइए में एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं जिसको इमाम इब्न अल कईम अल जोजी ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया है वह हुआ काला वह कथबी किताबी ही उन्होंने अपनी किताब में जिक्र फरमाया कि एक बादशाह था उसकी एक बेटी थी और बेटी बड़े नाज़ों से उसको पाला था बादशाह ने उसका कोई बेटा नहीं था सिर्फ उसकी एक बेटी थी वो अपने घर में रहा करती थी बहुत सारे खुदाम और खादिमात उसकी ख़िदमत के लिए वहाँ पर बादशाह ने मामूर कर दिए थे बादशाह ने वहाँ पर रख दिए थे चौबीसों घंटा सब बांधियाँ उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थीं उसकी खिदमत करती रहती थीं वहाँ पे तरबियत का कोई माहौल नहीं था नहीं तो वो नमाज के करीब जाती थी नहीं वो रोज़े के करीब जाती थी दूसरे मामला से वो एकदम दूर रहा करती थी सिर्फ अपनी खिदमत में वो अपनी ज़िंदगी को गुजारा करती थी आखिर इसकी वजह क्या थी इसकी वजह ये थी किसी ने उसको बताया ही नहीं कि नमाज भी कोई चीज़ है किसी ने उसको बताया ही नहीं कि तरबियत इस्लाम

जैसे ही यह आयत पढ़ी उस बच्ची ने इस आयत को सुना सुनने के बाद फौरन वो होश बाख्ता हो गई और दोबारा से कान लगा के फिर सुनने लगी और वो अल्लाह का आबिद बंदा या अल्लाह का बंदा उसको बार बार रिपीट कर रहा था रिपीट कर रहा था और ये सुन रही थी और वहीं पर चिल्ला रही थी कि बचो 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 लेकिन लोग बच नहीं रहे वो अपने ये दोनों सेंटेंस बार बार कहे जा रही थी कुछ देर हुई फिर वो बंदा वही आए थे कुरानी मुकद्दस पढ़ रहा है तो उसने अपने सीने को चाक करना शुरू कर दिया जिस तरीके से आदमी की कंडीशन हो जाती है ना कभी बहुत परेशान होता है या बड़े दिक्कत में होता है तो अपने सर को खुजलाता है कभी अपने कपड़ों को यूं करता है कभी बैठने में उसको दिक्कत होती है तो एक परेशानी वाली सिचुएशन उस लड़की के सामने थी इसी अंदाज में उसने पूरी रात गुजारी रोते रोते बेतहाशा वो बच्ची रोई सुबह को बादशाह के दरबार में उसको पेश किया गया बादशाह ने पूछा माजा फालती बिल्ली लिया बिनती मेरी बेटी तुमने रात क्या किया वमाजा हदसा भी की या रात तुम्हारे पास कौन सा मामला हो गया क्या दिक्कत पेश आ गई आखिर तुम्हारी ऐसी हालत रात क्यों हो गई थी उस बच्ची ने कहा मेरे वालिद पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या वाकई दोजख और जन्नत मौजूद है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम सुना था जब वो कुरानी मुकद्दस की तिलावत कर रहा था तो उसके वालिद ने कहा हाँ दोजख भी मौजूद है और जन्नत भी मौजूद है तो उस बेटी ने कहा वालिद मेरी उम्र इतनी हो गई मैं इतने ऐशो इशरत में पली महज दुनियावी जिंदगी के लिए आपने हजारों खुदाम मेरे लिए लाइन और कतार लगाकर खड़े कर दिए ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो लेकिन क्या कभी आपने मेरी आखिरत के बारे में सोचा क्या आपने मुझे कभी हशर के बारे में बताया क्या आपने मुझे कभी जन्नत के बारे में बताया क्या आपने मुझे कभी दोजख के बारे में बताया क्या आपने मुझे कभी वो रास्ते बताए जिस पर चलकर मैं अल्लाह के करीब हो सकूं? क्या आपने कभी मुझे वो रास्ते बताए जिस पर चलकर मैं ये दावा कर सकूं कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगी मैं अल्लाह के करीब हो जाऊंगी उसके वालिद ने कहा नहीं बेटा मैंने तुम्हें नहीं बताया तो उस बच्ची ने अपने बाप जो मौजूदा वक्त का बादशाह था उससे कहा यह आपकी गलती है आपकी परवरिश में गलती है आपकी तरबियत में गलती है आपने मुझे वो तरबियत ना दी जो तरबियत मेरा अल्लाह हमसे चाहता है तो इस ये कहना चाह रही हूं कि आज के बाद जब तक आप मुझे दीन इस्लाम की दे देंगे मैं मुकम्मल अच्छे अंदाज में ना तो खाना खाऊंगी ना आपके खुद से खिदमत कराऊंगी ना आपके इस माहौल में रहना पसंद करूंगी आप मुझे पहले दीन इस्लाम की तालीम दीजिए तो उस बादशाह ने उस बच्ची को दीन इस्लाम की तालीम देना शुरू करा ये क्या हुई बाई सेल्फ यानी उसने कुरान की इसायत को सुना और अपने आप उसने इस अमल को करना शुरू किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अजरता फरमाया तो इस जो इमाम इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी ने अपनी किताब में इस किस्से को लिखा है फिर उसके नीचे उन्होंने हेडिंग डाली है बाकायदा बेतरतीब उसको तवील कर कर लिखा है कि हर बाप को हर मां को हर भाई को हर पड़ोसी को हर रिश्तेदार को जो भी मिले अगर वो खिलाफ इस्लाम जा रहा है तो उसे इस्लाम की दावत देनी चाहिए इस्लाम की तरफ माइल करना चाहिए बुखारी शरीफ की हदीस है इमाम मुस्लिम ने भी उसको रिवायत किया है, जैसा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल के तुम में हर एक आदमी अपने आप में राई है तुम में हर एक आदमी एक दूसरे का जिम्मेदार है और हर उस आदमी से बरोसे महशर सवाल किया जाएगा जो आदमी दूसरे के साथ रहता है या उसकी रियायत में रहता है मिसाल के तौर पर आपकी फैमिली है आपके बच्चे हैं आपका घर है अब आप अपनी जिंदगी को देखिए अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए अपनी जिंदगी को एक नजर देखिए कि आप एक सोसाइटी में जिंदगी गुजार रहे होते हैं आप अपने घर में जिंदगी गुजार रहे होते हैं कितनी ऐसी माए हैं या कितने ऐसे बाप हैं या कितने ऐसे भाई हैं जो सुबह को फजर की नमाज अदा किया करते हैं अगर इल्ला माशा अल्लाह कर भी लेते हैं तो कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो कुरानी मुकद्दस की तिलावत कर रही हैं कितनी ऐसी फैमिली है जो अपने बच्चों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत दे रहे हैं क्या हमने अपने बच्चों को कभी सीरत रसूल का मुताला कराया क्या अपने बच्चों को कभी हमने स्टोरी इस्लाम ऑफ सिखाई क्या हमने अपने बच्चों को सहाबा के बारे में कभी सिखाया? क्या हमने कभी अपने बच्चे को झूठ बोलने पर डांटा क्या कभी हमने अपने बच्चे को गलत काम करने पर ना डांटा जब ये तमाम खुराफात ये तमाम बदतमीजियां हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गई तो हर मुसलमान हमें परेशान नजर आता है हर मुस्लिम या हर घर की अक्सर यही शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है मेरा बच्चा मेरी मर्जी से शादी नहीं कर रहा है मेरा बच्चा बाप के ऊपर जुबान दराजी कर रहा है मेरा बच्चा माँ को कुछ समझता ही नहीं है अखलाक से कोसों दूर है अखलाक से बहुत दूर चला गया मुसलमानों ये मामला हमारे अंदर कैसे दाखिल हो गया हम तो उस जमीन या उस नबी के मानने वाले हैं जिस की जिंदगी को आप पढ़ेंगे चाहे वो मक्की जिंदगी हो चाहे वो मदनी जिंदगी हो मदीने का तो मामला चले जाया करते थे घरों में से बच्चों की आवाजें आ रही होती थी क्योंकि तमाम के तमाम रात को तहज की नमाज अदा किया करते थे क्याल किया करते थे रब की इबादत किया करते थे कुरान मुकदस को पढ़ा करते थे लेकिन आज हमने अपने इस्लाम को इतना मॉडर्न खुद बनाया है और कोई इस्लामी बात बताने के लिए खड़ा भी होता है तो महज लोग यह समझते हैं अरे इतना ही इस्लाम काफी है ना जितना हमारी मस्जिद में इमाम साहब बता रहे हैं इतना ही काफी है जितना हमारे लोग बाहर प्रोग्राम्स वगैरह में सुनाते हैं अगर आपका यह मिजाज है तो गोया आपने इस्लाम को समझा ही नहीं है इस्लाम महज इस चीज का नाम नहीं है। है। इस्लाम आपकी इबादतों का नाम नहीं है इस्लाम आपके तस्वीर या मुसल्ले पर बैठने का नाम नहीं है इस्लाम एक दुनिया है इस्लाम एक आलम है इस्लाम में अखलाकियात आपको पढ़ना होगा इस्लाम में हुसने तकल्लुम आपको पढ़ना होगा इस्लाम में असमायी इशारा आपको पढ़ने होंगे इस्लाम में बात करने का तकल्लुम आपको जानना होगा इस्लाम में आला करेक्टर आपको पेश करना होगा इस्लाम में सिला रहमी का दर्स आपको देना होगा इस्लाम में कुरान की ताबीरत कौम के सामने पेश करनी होगी इस्लाम में हदीस रसूल का जो स्ट्रक्चर है वो कौम के सामने आपको पेश करना होगा महज इबादतों का नाम इस्लाम नहीं है बल्कि ये इबादतें अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज की हैं। हैजरत आयशा अन्हा से किसी ने मालूम किया या सैदती आप हमें यह बताइए कि तेईस साल की इस थोड़ी सी मुद्दत में तेईस साल के इस कम पीरियड में पूरी दुनिया में इस्लाम कैसे फैल गया तो हजरत आयशा ने जवाब दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह इबादतों से नहीं फैला था बल्कि मेरे नबी के अखलाक से फैला था जो तेईस साल जिंदगी में पूरी दुनिया में वो अखलाक पेश किया अगर कोई आपके करीब आ रहा है चेहरा देखकर मुसलमान हो जाता था आपकी मुस्कुराहट इतनी आला थी कोई करीब आ रहा है उसने तकल्लुम इतना अच्छा था कि बात कर करते करते दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता था कोई भूखा आ रहा है आपको खाने का लुत्फ देख कर ही आपके कौल में और दायरे इस्लाम में वो बंदा दाखिल हो जाया करता था आखिर ये कैरेक्टर हमारे अंदर कहा चले गए ये चीजें हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही हैं नहीं तो हम अपने बच्चे को आला तालीम देने की तरफ रागिब दिला रहे हैं और हमारा हाल तो ये हो गया है कि कहते हुए मुझको शर्म महसूस होती है आज कल कुछ फैमिलीज तो ऐसी हो गई हैं वो मदरसे में या मकात में अपने बच्चों को भेजना करते हैं हमारा बेटा मकात में थोड़े ही नहीं जाएगा हमारा बेटा तो मॉडर्न स्कूल में अपनी करेगा करेगा क्रिस्टनिटी के आला स्कूल में अपनी तालीम हासिल करेगा, तालीम करेगा।, तालीम करेगा। ए ए की उम्मीद के गैर अगर तुम्हारा मनसब यही हो गया है अगर तुम्हारा मिनहज यही हो गया है तो आप समझने लीजिएगा कि आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर खड़े होकर कोई फातिहा पढ़ने वाला नसीब ना होगा आपकी नस्ल में आपके मरने के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई दाखिल ना होगा और अमली जिंदगी क्या है दुनिया को तो अल्लाह ने एक आरजी जिंदगी बनाया है आप मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए आला से आला तालीम दीजिए लेकिन पार्ट टाइम सुबह में या शाम में आप मदारिस के बच्चों को और मदरसे में जो मकात में हैं जो हमारे दावत सुन्नी दावत इस्लामी के मकतब हैं उनमें अपने बच्चों को भेजिए ताकि वो दीन को सीखें आपका अदब वो जाने अखलाके दीन वो जाने माँ का एहतराम क्या होता है वो जाने बाप का एहतराम क्या होता है वो जाने बहन के हकूक क्या होते हैं वो जाने ये कोई मॉडर्न स्कूल आपको नहीं देगा दुनिया में कितनी भी हायर एजुकेशन आप अपने बच्चों को दिला लीजिए लेकिन जो इलम है वो आपको मदारिस में हासिल होगा वो आपको दीनी नॉलेज में हासिल होगा आप चाहे कहीं पे ले जाइए आला तालीम अपने बच्चे को दिला लीजिए अगर आपने दिन से गाफिल रखा है बरोज़ महर अल्लाह आपसे सवाल करेगा अरजख्त का वला धन वह अरजख्त का बिनतन मैंने तुम्हें एक बेटा दिया था मैंने तुम्हें बेटी दी थी तुमने उसके साथ क्या मामला किया तो वहां पर आपका जवाब क्या रहेगा या अल्लाह या रब्बल आलमीन अन्नी अदखलतुहु फी तिलकल जामिया मैंने उसको एक अजीम यूनिवर्सिटी में दाखिल कर दिया था यह आपका जवाब रहेगा या आप क्या रब के सामने जवाब देंगे और जो हदीस रसूल है बुखारी शरीफ की मैंने जो पढ़ी है ये हदीस अपनी सनद में सही है सही है अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है तो बाप से अल्लाह सवाल करेगा अगर बेटी या बच्चा बिगड़ रहा है तो माँ बाप दोनों से अल्लाह सवाल करेगा कि इसकी तरबियत में तुमने कौन सी कमी छोड़ी थी क्या तुमने कुरान पढ़ाया था इसको तो रब के सामने आप क्या कहेंगे या अल्लाह हम खुद नहीं पढ़ते थे इसको क्या पढ़ाते क्या तुमने इसको नमाज का तरीका बताया था आप क्या कहोगे या अल्लाह हम खुद नहीं पढ़ते थे इसको हम क्या बताते तो तुम्हारा गुनाह तो तुम्हारा गुनाह प्लस तुम्हारी नस्लों का गुना और ये सिर्फ एक बच्चे तक आप महदूद मत रखिएगा कभी आप ये समझ लें कि मेरा बच्चे से कोई गलती हो गई वो दायरे इस्लाम पे नहीं चला तो सिर्फ मुझे एक ही का अजाब भुगतना पड़ेगा नहीं अगर उसकी नस्ल से सुबह कयामत तक जौन सी चैन भी खराब होगी उस चैन का अजाब आपके कांधों पर आएगा और उस अजाब को बरोज हम और आप उठा ना पाएंगे जिस तरीके से हमारा बच्चा अगर नवाफिल या फराइज नमाज अदा कर रहा है या कुरान की तिलावत कर रहा है और ये तरबियत हमने उसको दी उसके बाद उसके बच्चे उसके बाद उसके बच्चे सुबह कयामत तक के लिए जिस तरीके से हमारे लिए ये सबका जारिया बन जाता है इसी तरीके से गुनाह की लिस्ट में भी वो आप के लिए बबाले जान हो जाएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया और हमारे जो माशरे हैं जो इस्लामी सोसाइटियां हैं जो इस्लामी खास सतन तबकात हैं सबसे ज्यादा मॉडर्न यही तबका होना चाहता है हम दुनिया में हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुमालिक में भी जाना होता है या दूसरी दुनिया का भी हम सफर करते हैं और बिलहकीकत में यह आपको बता रहा हूं जितना तसन्नों हिंदुस्तान के अंदर है आपको कहीं पे नहीं मिलेगा आप पूरी दुनिया में चले जाइए कोई भी ड्रेस आप पहन के चले जाइए आपकी तरफ कोई निगाह उठा के नहीं देखेगा कि आप क्या पहन के आ रहे हैं हमारे यहां तो इतने मॉडर्न लोग हो गए किसी का थोड़ा सा टोपी टेढ़ी है लोग देख के हंसने लगते हैं किसी का कपड़ा थोड़ा गंदा है लोग देख के हंसने लगते हैं ये यह यहाँ का कल्चर है क्या कभी आपने अपने दिल के अंदर झांक के देखा है क्या आप अंदर से कितने गंदे हो चुके हो क्या कभी आपने अपने करेक्टर को देखा है कितना खराब तुम्हारा करेक्टर हो गया सुरमा लगा लेने से आंखें अंधी नहीं अच्छी नहीं हो जाती हैं जब तक अपनी आंखों के अंदर नजाफत पैदा नहीं करोगे अच्छी ड्रेस पहन लेने से आप अच्छे आदमी नहीं हो सकते जब तक कि आपका अंदरूनी और बातिन को दुरुस्त नहीं कर लोगे अच्छी सोसाइटी में रहकर अपने आप को आला दिखाकर आप अच्छे नहीं बन सकते सिर्फ दुनिया में कुछ लम्हा के लिए आप अच्छे बन सकते हैं अगर आपको नकी बनना है आपको अच्छा बनना है आपको आला बनना है अपने अंदर को आपको बदलना होगा अपनी रूह को आपको बदलना होगा मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि दुनिया के अंदर आज मेडिकल लाइन में आप चले जाइए दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास आज चले जाइए ये हार्ट के पेशेंट हैं ये दूसरी बीमारियों के पेशेंट हैं ये डिप्रेशन के पेशेंट हैं इन्हें शुगर हो गया है इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, दुनिया भर की दवाइयां और दवा लोग करने के लिए जा रहे हैं और इससे पहले एक और सुनिए। अल्लाह ने जो इंसान को तैयार किया है ना वो दो चीजों से तैयार किया है एक तो इंसान का जिस्म है जिसको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और दूसरा क्या है रूह है जो अल्लाह के नूर से उसने बनाई है तो इंसान कितनी चीजों से बनता है दो चीजों से बना अब गौर का यह है कि जब इंसान डिप्रेशन में आता है उससे पूछा जाए भाई आपको क्या हो गया मेरा किसी से बात करने दिल नहीं हो रहा है बैठ जाऊं और मेरे पास कोई नहीं आए और मैं तनहा बैठा रहूं ये डिप्रेशन के मरीज की कंडीशन हुआ करती है दूसरे अमराज उसको उल्लाह खो हो गए तो सारे की सारी जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए पूरी दुनिया में डॉक्टर्स को तलाश किया जाता है ढूंढा जाता है डिप्रेशन का अच्छा डॉक्टर कौन है सर्जन अच्छा कौन है या कॉमन डॉक्टर अच्छा कौन है आप उसके पास जाते हैं लेकिन जो चीज अल्लाह ने इंसान की मिट्टी से बनाई जिसका वजूद खत्म होना है जिसका वजूद एकदम मिट जाना है और रूह एक ऐसी चीज है जिसको मरना नहीं है अल्लाह के यहां वो चली जाती है और उसके बाद जब आखिरी सूर फूकी जाएगी तब उसको मौत आएगी बाद में फिर अल्लाह जिंदा करेगा क्या हमने कभी अपनी रूह का इलाज किया क्या हमने कभी अपनी रूह का इलाज कराया तो हमें पता चलता है नहीं हमारे सर में दर्द होता है हम डॉक्टर के यहां चले जाते हैं लेकिन जब हमारी रूह खराब होती है जब हमारी रूह में कीड़े लगते हैं जब हमारी रूह अंदरूनी बातिल हो जाती है ना हमें हराम का पता चलता है ना हमें हराम का पता चलता है ना हमें जायज का पता चलता है ना हमें नाजायज का पता चलता है ना हमें सूद का पता चलता है ना हमें खिबत का पता चलता है ना हमें बदकारी का पता चलता है ना हमें बदफेली का पता चलता है क्या कभी इस पे आपने गौर किया आखिर ये कौन सी बीमारी आपके अंदर दाखिल हो गई है आखिर इस बीमारी का आप इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं क्या कभी हमने गौर किया कि अपने बच्चों को دینی تعلیم भी हम दिला दें ये तमाम की तमाम आपके अंदर बीमारियां हैं अगर आपकी थिंकिंग आपकी सोच आपकी ये नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी रूह गंदी हो चुकी है आप बाहर से मिट्टी का एक ढांचा तो हो सकते हैं लेकिन कामिल मोमिन आप नहीं हो सकते जब तक कि अपनी रूह को आप आला नहीं करेंगे रूह की غذا क्या है रूह की पाक करने का तरीका क्या है उसको अल्लाह ने कुरान ए में इरशाद फरमाया अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह ततमैनुल कुलूब क्या अल्लाह के जिक्र के अलावा किसी और चीज से दिल को राहत मिल सकती है नहीं मिल सकती तो पता चला कि जितना हम दुनियावी बीमारियों में मुलविज होते हैं जितनी दवाएं हासिल करते हैं तो हमें अपनी अंदरूनी दूसरी लाइफ के लिए भी तकरीबन दिन में एक से डेढ़ घंटा देना चाहिए आप कभी रब को तन्हाई में याद करके तो देखिए आप अपने रब से जो भी दुआएं हकीकी और हलाल करेंगे अल्लाह आपकी दुआओं को पूरा करेगा लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है और कुरानी मुकद्दस भरा पड़ा है किसी भी नबी की जिंदगी को उठा लीजिए हजरत इब्राहिम की जिंदगी को उठाएं हजरत इस्माइल की जिंदगी को उठाएं हजरत यहया व जकरिया की जिंदगी को देखें यहां तक कि दो भाई हजरत मूसा व हारून की जिंदगी को देखें तमाम के तमाम दुआएं करते हैं या अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमा दे अपनी बच्चों के लिए दुआ करते हैं ताकि ये लोगों के लिए इमाम बन जाए और हमारे यहाँ क्या हो गया है कि दुआ का तो मकसद ही नहीं है बस एक मॉडर्न लाइफ हम जीते जा रहे हैं जीते जा रहे हैं लेकिन अपने बच्चों की हम दीनी तरबियत नहीं कर पा रहे हैं ये आपको मानना होगा आप दुनिया भी सोसाइटी में कितनी ही आगे चले जाइए तरक्की दुनिया में कितने ही आला हो जाइए लेकिन जब तक आप अपने बच्चों को आला तालीम और सन तरबियत नहीं देंगे ना आपकी आखिरत अच्छी हो सकती है ना आपकी दुनिया अच्छी हो सकती है अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं कि आप अपने बच्चों को आला तालीम किस अंदाज में दे सकते हैं सुन रहे हैं आप लोग जी। देखिए बच्चा जो होता है वो क्या होता है छोटा होता है ना बहुत छोटा होता है अब छोटे बच्चों की एक आदत हुआ करती है कि जो चीज देखते हैं उसको वैसे ही वो करने लगते हैं और जो चीज करने लगते हैं उस चीज को वो मायूब नहीं समझते हैं तो सबसे पहली चीज बच्चों की परवरिश के लिए उमदतुल उदवा यानी आपकी जिंदगी का जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए आपकी जिंदगी का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए अब मिसाल के तौर पर एक फैमिली है उसमें बच्चे भी रहते हैं वालिदा भी रहती हैं वालिद भी रहते हैं भाई भी रहते हैं तमाम के तमाम रह रहे हैं अब उसमें एक भाई हैं जो पान भी खा वो गुटखा भी खाते हैं उसमें एक भाई है जो सिगरेट भी पीते हैं उनके वालिद हैं वो भी सिगरेट पिया करते हैं उनके घर में गुफ्तगु करने का अंदाज बहुत अच्छा नहीं होता है गाली उनकी जुबानों पर रहा करती है अगर इस सिचुएशन में आपका बच्चा तरबियत पा रहा है तो बच्चे की जानिब से कभी नेक औलाद की तवक्को मत रखिएगा और जो भी बच्चा बिगड़ता है अकॉर्डिंग उसके वालिद और वालदा की बिना पर बच्चा खराब होता है जैसे कि सराहतन मेरे आका ने फरमाया है बच्चा तो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है उसके बाप उसको यहूदी बना देते हैं उसकी माए या बाप उसको सारा बना देते हैं इसी तरीके से बच्चा तो एक पाक रूह पैदा होता है जब वो इस दुनिया में आता है आपकी पलीद और गंदगी जिंदगी में जब वो अपनी आंखों को खोलता है उसके बाद बच्चे की जो परवरिश की जो जिंदगी होती है ना वो खराब होती जाती है खराब होती जाती है तो بالله अलैकुम आप अगर रब की बारगाह में हशिर में खड़े होने की सकत रखते हैं तो इस चीज का आप फैसला कर लीजिए कि जिस घर में आप रहते हैं पहले आपको नमाजों का पाबंद होना पड़ेगा उसके बाद आपके बच्चे नमाजों के पाबंद होंगे पहले कुरान घर में आपको पढ़ना होगा उसके बच्चे आपके बाद कुरान पढ़ेंगे पहले अल्लाह और उसके रसूल की जो किस हैं वो बच्चों को आपको सुनाने होंगे उसके बाद ये उस जनरेशन को बाद में आगे चलाएंगे तो अपने आप को सुधारिए अच्छा बहुत सी फैमिली क्या होता है कि समझाना तो बहुत दूर की बात है बच्चों पे एकदम गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं एक बात कही बच्चा नहीं मान रहा है फौरन गुस्सा हो गए अभी जो एक आ, क्या हुआ एक प्रोग्राम हुआ उसमें हदीस को बयान किया गया ना ला हम जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा और इनबरिफ काफी कुल्ली हर चीज में नरमी पसंद करता है नरमी पसंद करता है अगर आप बच्चों को तरबियत देना चाहते हैं आपको नरमी का पहलू इख्तियार करना होगा इस्लाम सख्ती को पसंद ही नहीं करता है इस्लाम लाइक ही नहीं करता है कि आप अपने बच्चों को डांटें या मारें सिर्फ एक हदीस उसकी मिलती है जो मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे सात साल के हो जाएं तो उन्हें हाथ पकड़ कर ले जाओ और उन्हें नमाज की तरगीब दिलाओ और जब वो दस साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़ें तब आप उनको ऐसी जगह जिस्म पे और मीडियम तरीके से मार सकते हैं जाके उनको चोट का एहसास ना हो सिर्फ ये एहसास हो कि हाँ मेरे वालिद मुझे मार रहे हैं इस्लाम में इतनी इजाजत है तो इस्लाम ने यह हदीस क्यों आई ताकि हम अपने बच्चों को तरगीब दिलाएं और अपने बच्चों को तरगीब दिलाने से पहले आपको उस पर खुद अमल करना होगा उसके बाद आपके बच्चे आपकी जिंदगी पे आएंगे और एक हदीस है जिसको मैं अक्सर अपने खुतबात में कहा करता हूँ मेरे आका वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके सिर्फ तीन आमाल ऐसे होते हैं जो मरने के बाद उसे फायदा देते हैं और कोई अमल उसको सिर्फ लिमिटेड वक्त के लिए फायदा दे सकता है लेकिन लॉन्ग टाइम उसको फायदा नहीं दे सकता उसमें तीसरी जो कंडीशन मेरे आका ने बयान फरमाई वो ये है कि तुम्हारी ऐसी नेक औलाद हो कैसी नेक औलाद जो तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत कर सके तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआए मकफिरत कर सके तो पता चला कि बच्चों को नेक बनाना बच्चों को दीनी तालीम देना बच्चों को हुसन तरबियत में ढालना बच्चों को आला तालीम रसूल देना यह सिर्फ तरीक इस्लाम तक महदूद नहीं है बल्कि इस्लाम ने आपके लिए एक अजर अजीम इनायत फरमाया है जिसका सवाब आपको सुबह कयामत तक मिलता रहेगा तो बच्चों की जितनी भी हम तरबियत करें सबसे पहले अपने आप को आइडियल और नमूना बना के पेश करें यही वजह है क्योंकि पूरी उम्मत में पूरी कायनात अल्लाह में बाद अल्लाह सबसे अजीम जो शख्सियत है वो नबी युना मोहम्मद वसल्लम है हमारे आका अलैहि वसल्लम है जब अल्लाह ने कौम को आइडियल देना चाहा जब अल्लाह ने एक कैरेक्टर पेश करना चाहा तो अपने नबी के ताल्लुक से कुरान में ऐलान कर दिया लक रसूल उस हसना के ए उम्मत मुहम्मद नहीं बल्कि कुल कायन इंसानियत और जिन्ना अगर तुम्हारे लिए कोई आइडियल या कोई नमूना हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रसूल सकती है सेम इसी तरीके से अगर बच्चों के लिए कोई आइडियल और कोई नमूना हो सकता है पहली दरसगा उसकी मां की गोद हुआ करती है पहली यूनिवर्सिटी उसके बाप की गोद हुआ करती है जब मां बाप ही इसी राह पर नहीं निकलेंगे तो आप नेक बच्चों का तस्वुर कैसे कर सकते हो अपने बच्चों की नेकियत की जानी माइल कैसे कर सकते हो और मुआशरा तो इतना खराब हो गया है मैं खास उन उन घराने या उन मुस्लिम सोसाइटी से खिताब कर रहा हूं जिनके यहां आप शादियों में चले जाइए शादी बिया जो आज की रस्म है अगर आप इसमें चले जाए जो बग़ैरत इंसान होते हैं उन्हें देख कर हया आती है उन्हें देखकर शर्म आती है मां भी साथ में मौजूद होती है बाप भी साथ में मौजूद होता है भाई भी साथ में मौजूद होता है उस वक्त की जो ड्रेसिंग हुआ करती है उस वक्त के जो कपड़े हुआ करते हैं उस वक्त जो मेकअप का अंदाज हुआ करता है आखिर ये किस लिए किया जा रहा है आप किसको दिखाने दिखाने के लिए जा रहे हो वहां पे तो मर्द भी मौजूद हैं, नॉन मर्द भी मौजूद हैं, पूरी कायनात उसके अंदर भरी हुई है आप इतना हुसन लेकर कहाँ जा रहे हो आखिर आपको दिखाना क्या है आपके जहन में यही तो रहता है ना कि लोग हमारी देख कर तारीफ करेंगे फुला की बेटी बड़ी खूबसूरत है फुला का बेटा बड़ा खूबसूरत है ये तमाम चीजों की वाहवाही के लिए हम जा रहे हैं क्या मुसलमानों कभी इसी पर गौर किया है क्या इस्लाम हमें ये दावत देता है इस्लाम ने तो औरत को पूरे का पूरा पर्दा करार दिया है अगर अपनी जीनत को दिखाना है तो अपने शोहरों के सामने तुम्हें दिखाना होगा अपने हुसन को जाहिर करना है अपने शोहर के सामने जाहिर करना होगा लेकिन आज हमने शादियों को मरकज बना रखा है उस का बाजार बना रखा है पहले किताबों में पढ़ा जाता था कि कहीं पर लड़कियों को हुसन देखना है तो फला बाजार में चला जाए लेकिन आज हमारे यहाँ शादियां हुसन का बाजार हो गई हैं और साइंसी तौर पर इस्लामिक तौर पर दोनों तौर पर आपको ये यकीन करना होगा कि जो माँ बाप जाहिर में करते हैं उसका रिए माँ के पेट में पलने वाले बच्चे पर हुआ करता है सरकार आजम ताला जब पहली से तो आज़म जवाब दिया था मैं मुबारक का महीना था मैं अपनी वालदा के पेट में था मेरी वालदा कुरानी मुकद्दस की तिलावत किया करती थी वो मुझको सुनाई देता था तमाम के तमाम मैंने हिफ्ज कर लिए अब आप अपने अंदर जायजा लीजिए आपके पेट में कोई बच्चा है या आपके सुलभ में कोई बच्चा है आप घर में बैठ कर टीविया देख रहे हैं गंदी गंदी पिक्चर आप देख रहे हैं तरह तरह के गाने आप सुन रहे हैं तरह तरह के फाहिशात आप अपनी जुबान से ले रहे हैं दुनिया भर की बुराइयां आप अपने घरों में कर रहे हैं बेपर्दा होकर अपने घरों से आप निकल रहे हैं ऐसी ऐसी शादियों में आप जा रहे हैं जहां पर कदम रखना ही हराम है इन सानियत का बाजार जहां पर गरम हो रहा है और उसके बाद आप तमन्ना कर रहे हैं मेरा बेटा शबीह ए आजम बनकर पैदा हो मेरा बेटा बहुत नेक पैदा हो ऐसे कोई औलाद नेक पैदा नहीं होती है इनल्लाहा ला युगययरु मा बी कौमिन हत्ता युगययरु मा बी अनफुसहिम अल्लाह उस कौम के हालात बदलता ही नहीं है जो कौम खुद को बदलना ना चाहे आज हमें एजुकेशन की सख्त जरूरत है तालीम और تربیت की सख्त जरूरत है हमें और आपको चाहिए कि अपनी तरबियत करें बापर्दा रहने की कोशिश करें अपने घर को इस्लामिक माहौल में ढालने की कोशिश करें इस्लामिक माहौल अपने घर में लाने की कोशिश करें और बच्चों की दीनी तरबियत करें और जितने करीब आप लोग हैं सुन्नी दावत इस्लामी के जितने मकाब हैं कसरत से अपने बच्चों को भेजें चाहे आधे घंटे के लिए एक घंटे के लिए और नमाजों के वक्त खास सतन अपने बच्चों के सरों पर अमामा बंधवाने की कोशिश करें सुन्नी दावत इस्लामी का सपोर्ट करें ताकि इस्लाम का ये पैगाम इस्लाम का ये रास्ता आपकी नस्ल और आपके बच्चों के दरमियान अच्छे अंदाज में आ जाए जो कलेमात मैंने बोले हैं अगर इसमें कुछ गलतियां हो गई हैं तो मैं रब की बारगाह में तोबा करता अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन भी मिनकुलिन थूब इलाई ए रजा ये अहमद नूरी का फैज नूर है हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का अलैकुम व रहमतुल्लाह